Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel First Year Second Year Chemistry. आज Second Year Chemistry का जो बहुत ही important topic है 9th chapter का वो है जी structure of benzene. ठीक है, कि benzene की structure straight chain है या closed है. तो आइए देखते हैं इसकी structure कौन सी finalize होती है scientist के point of view से. ठीक है, तो start करते हैं. सबसे पहले है जी introduction. benzene का introduction क्या है. बेंजीन एक साइंटिस्ट ने बनाई जिसका नेम था जी माइकल फैराडे इन 1825. अब वो कैसे बनाई थी, वो उसने बनाई थी डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से. उसके बाद इसको कोल तार से भी प्रिपेयर किया गया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है वो हम देखते हैं. अब पहला जो पॉइंट है ना वो है जी एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम एलिमेंटल एनालिसिस दैट इज CH. कहता है जो एलिमेंटल एनालिसिस के प्रोसेस से इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारा हमारे पास आया CH. तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 और हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल कितना हो गया 13. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी मॉलिक्यूलर मास MM क्या है जी मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम वेपर डेंसिटी मेथड दैट इज 78.108. कहता है कि मॉलिक्यूलर मास जो वेपर डेंसिटी मेथड के प्रोसेस से आया हमारे पास वो 78.108 आया, जो कि 13 का 6 टाइम्स है. तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6. 6 टाइम है ना, तो कार्बन का भी 6 लगा दिया और हाइड्रोजन का भी 6 लगा दिया. तो अब इसका अगर मॉलिक्यूलर मास चेक करें 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 को ऐड करें उसमें तो 78.108 समथिंग आएगा. ठीक है, तो इस तरह क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है हमारे पास C6H6. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी इट इज डिपिक्टिंग दैट इट इज हाईली अनसैचुरेटेड. कहता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आया C6H6 वो शो कर रहा है कि बेंजीन बहुत हाईली अनसैचुरेटेड है. अब वो मैं आपको शो करवाता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बताता है कि कोई कंपाउंड कोई स्ट्रक्चर हाईली अनसैचुरेटेड है. अच्छा, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं. ठीक है, तो वो हम देखते हैं. ये आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये सैचुरेटेड होते हैं. इसका जो हेक्सेन के लिए फार्मूला है ना C6 के लिए वो है C6H14. अब एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है ये अनसैचुरेटेड होते हैं. इसका जो C6 के लिए फार्मूला है वो है C6H12 हेक्सीन. अब अल्काइन के लिए देखते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या कहते हैं C6H10 है, जो कि हेक्साइन का फार्मूला है. अब हम देखते हैं बेंजीन का. बेंजीन का जो फार्मूला है C6H6. अब अगर देखें ना आपके कार्बन 6 जो है वो तो सब में सेम है, लेकिन जैसे जैसे सिंगल से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि अनसैचुरेशन बढ़ती जा रही है, बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कम होते जा रहे हैं. इधर देखें 14 है 12 10 6, तो मतलब क्या है कि बेंजीन में जो हाइड्रोजन है ना वो सबसे कम हो गया. तो मतलब हम फिर कह सकते हैं कि इस जो अनसैचुरेशन है इसमें एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा हो गई है. ठीक है, तो इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है कि ये आली अनसैचुरेटेड है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स रूल आउट. कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना स्ट्रेट है, कुछ ने कहा ना इसकी स्ट्रक्चर क्लोज है. तो जिन्होंने कहा ना स्ट्रेट है उन्होंने इस बेस पर कहा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी था, इसमें डबल बॉन्ड भी था, इसमें सिंगल बॉन्ड भी था, तो उन्होंने कहा इसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. उन्होंने टू स्ट्रक्चर्स प्रपोज की, वो हम देखते हैं कौन सी हैं. इसकी जो टू स्ट्रक्चर्स है ना स्ट्रेट चेन के लिए वो उन्होंने ये दी 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6. बेंजीन की 6 कार्बन है ना, तो ये 6 कार्बन आ गई. अब बाकी इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये बाकी सिंगल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड. इसके अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये नेम आता है हमारे पास 1, ये 5 हेक्सा मतलब 6 कार्बन है, हेक्सा डाई मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड है, और आयन आयन शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को. तो नेम क्या हो गया 1 5 हेक्सा डाई आयन. इसी तरह इसको भी हम इधर से नंबर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, तो हमारे पास क्या आएगा 1 5 हेक्सा. ये इतना तो सेम है लेकिन डाई 2, और लेकिन इधर क्या है डबल बॉन्ड 2 लिखने हमने डाई इन, और 3 आयन क्या है 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो ये उन्होंने स्ट्रक्चर दी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की. ये एग्जाम में भी आ जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर उन्होंने प्रपोज की बेंजीन के लिए स्ट्रेट चेन थी, वो आप राइट डाउन करें. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद भी कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, कहता है अगर इनकी जो स्ट्रक्चर है ना स्ट्रेट चेन की उसको अगर देखें ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, जिस तरह के अल्कीन और अल्काइन के रिएक्शन में आप देख सकते हैं किस तरह वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होते हैं. लेकिन
बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है एक स्टेबल क्या कहते हैं कंपाउंड है, ठीक है, उसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई, वो उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेबल है। तो इधर तो एक पॉइंट ये रिजेक्ट हुआ ना कि ये दूसरे एल्कीन और अल्काइन तो रिएक्ट करते हैं KMnO4 साथ, लेकिन बेंजीन नहीं करती, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है जी, एडिशन रिएक्शन। जो बेंजीन है ना वो एडिशन रिएक्शन देती है क्लोरीन के साथ और क्या कहते हैं हाइड्रोजन के साथ। वो रिएक्शन हम आगे जाके देखते भी हैं कैसे। ये रिएक्शन शो करता है कि उसमें डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो इसलिए उसने एडिशन की है किसी चीज़ की। वो जब ऐड होंगे तो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो फिर नहीं आ सकते थे, क्योंकि फिर सिंगल बॉन्ड से नीचे और मतलब कम नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी देता है। ये सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। वो ये शो करता है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक क्या कहते हैं एटम रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर ये रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब मैं आपको शो करवाता हूँ वो जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, हैलोजिनेशन और हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये है जी हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन। बेंजीन रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, इसका मतलब है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। अब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ जाकर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें इधर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो है C6H12। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी हैलोजिनेशन का, वो भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये भी यही शो कर रहा है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें किस तरह पता चल सकता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो वो आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। उन्होंने प्रपोज किया कि बेंजीन की अगर स्ट्रेट चेन ड्रा करें तो ये कैपेबल है 3 मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देने के। एक उसका हाइड्रोजन इधर लग सकता है, उन्होंने कहा लेट्स सपोज, सेकंड उन्होंने कहा इधर भी लग सकता है, और थर्ड उन्होंने कहा इधर भी लग सकता है। इधर आप सोच रहे हैं कि इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं, इधर भी लगाएं, वो भी अगर लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर इधर मैं लगाऊंगा लेट्स सपोज ये ना हो, तो फिर इधर से नंबर स्टार्ट हो गई 1 2 3, फिर वही 3 आ रहा है, तो इस तरह 1 2 3 ये भी 3 आ रहा है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चर इसी के सिमिलर ही हैं, तो आप 3 स्ट्रक्चर्स ही ड्रा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, व्हाई बेंजीन गिव 1 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ 3। लेकिन बेंजीन जो है 1 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देती है इंस्टेड ऑफ 3, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर में जो कार्बन है ना 6, उनकी जो एनर्जी लेवल है ना वो सेम होता है, तो इसलिए जो आने वाला फंक्शनल ग्रुप है ना वो किसी एक पर अटैच कर सकता है। अगर एनर्जी लेवल डिफरेंट होता तो फिर हो सकता था कि वो मोर देन 1 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है, तो इसलिए एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से वो 1 मोनोसब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, ये अल्कीन और अल्काइन के मैंने जनरल फार्मूलाज लिखे हैं। ये भी एक पॉइंट बना उसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के रिजेक्ट होने का बेंजीन की, क्योंकि बेंजीन अगर स्ट्रेट चेन होता ना स्ट्रक्चर, अगर होती उसकी मतलब एक्सेप्ट होती, तो उसका जो जनरल फार्मूला ना इनमें से किसी के साथ मैच करता, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका जनरल फार्मूला इनमें से किसी के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि उसका जो फार्मूला क्या है C6H6, तो इसमें से किसी भी स्ट्रक्चर में अगर C N की जगह 6 रख के चेक करें तो नहीं मैच होगा, तो इसलिए ये भी एक पॉइंट बना उसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के रिजेक्ट होने की, ठीक है। तो ये वजह थी रूलिंग आउट ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।